अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? तो आज है जुम्मा, जुम्मा मुबारक। अभी खाना खा के आई, नमाज हो गई, काम हुआ आधे से ज्यादा, आधा उठ गया। देखो पहले मेरे को देखो, पीछे कैसे देख रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कवा कवा खाना खाया मेरा बेटा। दाल चावल है ना, जब दाल चावल की खिचड़ी खाया मैं बेटी ने। टाटा टाटा, कितना सारा तेल लगाई हो देखो मैंने उसके बाल में। सो गाइस, खाना वगैरह हो गया। ये ब्लूटूथ को मैं दूर रखती हूँ क्योंकि ये जरा भी इधर उधर टच होता है तो कट जाता है कनेक्शन, मतलब वीडियो क्लोज हो जाता है। तो आज मैंने लगाया है सुरमा। जी हाँ, पहले मैं ना इतना, मतलब कौन सा, हाशमी सुरमा, हाशमी सुरमा पहले बहुत लगाती थी मैं। मुमताज़ काजल, हाशमी सुरमा, ऐसी आग काली काली रखती थी मैं। डेली डेली मेरा शौक था। एक दिन भी मैं ना आग को, मतलब है ना, जानबूझ के खाली नहीं रखती थी। मेरे को इतना शौक था, मेकअप शेकअप का इतना, मतलब वो नहीं था कि मैं ये भी लगा लूँ, मैं वो भी लगा लूँ, मैं वो भी लगा लूँ। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप लोगों को मैंने ये चीज़ बताई है। हाँ, वो तो बाद में कैमरे की डिमांड हो गई, प्रमोशनल वीडियो करने लगे, हो को पड़ते हैं, ये पड़ता है, वो पड़ता है, तो मुझे करना पड़ता है थोड़ा बहुत मेकअप। बट पहले ना स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग क्या, जब से मैं जॉब पे जाती हूँ तब से की बात है, आई मेकअप करती थी। बट अगर कंपलसरी मेरे आँख में सुरमा काजल भरा हुआ ही रहता था क्योंकि जॉब की भी डिमांड होती थी, बाई फ्लोर पे ग्रूमिंग चाहिए बोल के। ग्रूमिंग के साथ साथ अगर आप मेकअप करके अच्छे प्रेजेंटेबल लग रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो वो तो एक ज़रूरी था काम पे। हाँ, ब्लॉगिंग की दुनिया में जब मैं आई, उससे पहले भी, शादी के बाद मैंने सब कुछ। क्या चल रहा है तुम लोग का अंदर? दोनों एक डब्बे में सो रहे, ले बिल्ली लो इसके अंदर, और लड़ाई झगड़े कर रहे। सो मैं आंखों में काजल सुबह भर के रखती थी, बट पता नहीं क्या सडन अचानक जब यूट्यूब पे आई मैंने, तो मेरा ना ये आंखों में काजल भरना, सुरमा लगाना कहाँ गया पता ही नहीं चला। आज कितने टाइम के बाद मैंने आंखों में इस तरह से सुरमा भरा है। खैर कोई नहीं, वैसे भी अगर एक कंटिन्यूअसली लगाने वाले, मेरे साथ ही ऐसा होता था कि मैं जब कंटिन्यूअसली ये काजल सुरमा लगाती थी आंख में, और गलती से किसी दिन आंख में ये लगाना या कोई भी रीजन से नहीं लगा पाती थी, तो उस दिन जितने लोग मिलते थे सुबह से लेकर रात तक का, जितने लोग मिलते थे एक एक इंसान एक ही सवाल पूछता था, क्या हुआ आज तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ तुझे आज, क्या हुआ ठीक नहीं लग रहा, मतलब बीमार है तू, ऐसा ऐसा पूछते थे, बीमार है तू। अरे भाई वो अजीब हो गया था थोड़ा। मैंने धीरे 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 करके ना ये सुरमा, मैंने खुद ने भी बहुत कम अपने आप को पहले ना देखती थी बिना काजल के, लेकिन अब तो बिना काजल के रहती मैं ज़्यादातर, आप लोग देखते हैं। लेकिन मेरे मेकअप में, मेरे आँख में अगर काजल नहीं दिया, कभी व्हाइट काजल लगा लूँ तो आज भी आपके भाईजान मुझे टोकते, कुछ तो कमी लग रही है मेकअप पे, काजल चाहिए ही उनको कुछ करूँ ना करूँ काजल चाहिए। एक इंसान को देखने की आदत हो जाती है ना काजल में, वो मुझे बोलते लगा के रहा करना काजल वाजल, क्या होता है इतना सारा सब लगा रखी है घर के अंदर, अब तो तेरे पास इतने सारे काजल है, बड़े बड़े ब्रांड के काजल है, लॉन्ग लास्टिंग काजल है, खुद ही प्रमोट करती है, खुद ही लगाती है। एक्चुअली कैसे बताए, नहीं याद रहता है, घर में होकर भी नहीं होता है करने, लेकिन रोज अभी मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम आंख में पहले जैसा काजल रहे, पहले जैसी थोड़ा दुबली हो जाऊं, एक अंदर से आ रहा है ऐसा मेरे अंदर ये आदत। कौन इंसान नहीं चाहता है खुद को प्रेजेंटेबल रखना, कौन इंसान नहीं चाहता है खुद को फिट रखना, कौन इंसान नहीं। हाँ ये सब तो छोड़ो, आज मैंने ना लार्ज साइज का कुर्ता पहना और मुझे आया है, और लूज भी हो रहा है देखो, ये देखिए लार्ज साइज का कुर्ता है, लार्ज लूज हो रहा है मुझे, मतलब आ सकती हूँ मैं वापस से। इवन मैं, मेरा टमी भी जो है वो इतना ज्यादा दिख रहा नहीं है, मेरे को दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए मैंने लार्ज साइज का कुर्ता पहना है, देख रहे हो आप लोग, लार्ज साइज है ये। बीच में तो ऐसा हो गया था कि एक्सेल साइज का भी जो कुर्ता है ना वो यहाँ से फिट हो रहा था मुझे, मतलब एक्सेल साइज का भी कुर्ता मुझे परफेक्ट नहीं हो रहा था, और पैंट बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी। पैंट की तो मैं अभी भी गारंटी नहीं लूँगी, मुझे लार्ज साइज़ की पैंट अभी भी थाइज में से ना टाइट ही होगी, तो ऐसा। लेकिन कुर्ता आ गया परफेक्ट, और अब मैं ट्राई ऑन दे सकती हूँ, तो मैं वापस से इंशाल्लाह क्लोथिंग हॉल करूँगी, लेकिन थोड़ा वक्त लूँगी खुद से, और फिर बाद में ट्राई ऑन भी वापस करना शुरू करूँगी। आप लोग बताना फ़र्क दिख रहा है कि नहीं, फ़र्क दिख रहा है तो ज़रूर बताना। हाँ वो कुछ टी शर्ट्स में ना अभी भी बदन दिखता है, लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लार्ज साइज का कुर्ता तो भी आया, वरना मुझे ये शोल्डर पे ना ऐसा टाइट होने के साइड से, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये साइड से कपड़ा उठ रहा था मेरा, यही वाला टॉप की बात कर रही हूँ, ये मैंने कब से उठा कर रखा, लेकिन अभी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कुछ लोग मुझे बोल रहे थे ना ये देखो जानमाज़ है,
कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि उज्मा का जो है स्टडी टेबल पे स्टडी कराया करो, स्टडी टेबल पे स्टडी कराया करो। तो देखो गाइज, उसके पास स्टडी टेबल है, वो बात अलग है कि उसके ऊपर उसके कपड़े पड़े, ये धोने के कपड़े हैं, यहाँ पे आजम का सॉक्स पड़ा है, ये देखिए। और पर वो बैठती नहीं है, पढ़ती नहीं है। और ये लाइट यहाँ पे इसलिए खसका है क्योंकि यहाँ पे ना उज्मा का यूनिफॉर्म प्रेस कर रहे थे, तो वरना ये लाइट ऐसे कोने में होती है, ठीक है। और ये कपड़े जो है ये कल धुले हुए हैं, सूख गए हैं। और ये कपड़े जो है ये प्रेस से आए, इसको मुझे उठा के रखना है, ठीक है। देखिए ऐसा है, ऐसा शायद आप लोग नए ज्वाइन हुए हैं मेरे चैनल पे, इसलिए आप लोगों को ना कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता है, तो इसलिए मुझे बोलते हो कंटिन्यूसली तीन दिन से एक ही कमेंट आ रहा कि आप स्टडी टेबल पे पढ़ाओ उज्मा को। तो उसके पास ये तो कब से है स्टडी टेबल, जब तो वो स्कूल भी नहीं जाती थी तब से लेके रखा मैंने मेरे बच्चे के लिए। तो ऐसा है, चलिए आजम अकेला बेचारा बच्चा मेरा अकेला बाहर। आजू कहाँ है मेरा बेटा, चलो आज बस हो गया, चलो बहुत धूप ले लिए, बहुत धूप ले लिया, आ जाओ 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 आ जाओ। क्यों चिल्ला रहा आजम, क्या हुआ आजम? ने कितने दिन के बाद ये शॉर्ट कपड़े में दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ऐसी कुछ खास ठंडी लग नहीं रही है, नॉर्मल मौसम लग रहा है। और ये कपड़े मैंने वैसे ही गर्म बहुत ज़्यादा पड़ रहा था बीच में, बारिश बंद होने के बाद ठंडी शुरू होने के पहले बीच में कुछ दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो आजम के पास ऐसे कपड़े नहीं थे पहनने के पहनाने, तो मैंने ली थी 4-5 जोड़ी, तो मैंने वो आज पहना दिया उसको। क्यों चिल्ला रहा है, कैसे चिल्लाता है, बात करने की कोशिश करता है, जा बाजा जा बाजा ए बाजा बाजा बाजा। क्या हुआ, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, नींद आ रही है इसको फिर से, चलो खड़े हो जाओ, दो हाथ दो, खड़े हो जाओ, चलो नहीं दूसरा भी हाथ चाहिए। बहुत चला गया, बहुत चला गया, मतलब मेरा आजम बाबा उठ गया, सो गया था, सो के उठा है उसमें, आज अभी तक आए नहीं, आज उसको लेट होएगा आने के लिए, वैन वाले का कॉल आया था, कुछ जुलूस निकला है बहुत बाहर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो लेट हो जाएगा। मेरी बेटी को आने के लिए नीनू में चोट है, मेरा बेटा फ्रेश फ्रेश हो गया, अभी परेशान करेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, छप जगह भागेगा। ये मत मार मत मार मुझे मत मार। अच्छा डिशु करेगी, चलो ए डिशु ये जोर से हो गया, ए डिशु तो ऐसा होता है। सो गाइस आ गई मेरी बेटी फाइनली घर पे, आज थोड़ा लेट हो गया आते आते, और आजम उसको देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा है। पहले खा ले चैन से फिर बाद में खेलो माँ, पहले खा ले चैन से फिर बाद में खेल। आजम इधर देखो माँ, सोनो ए चोनी मोनी, इधर देखो दोनों 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 उसमें देखो, ए ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये देख ले ली मैंने। ये लड़की को टिफिन में पनीर दी थी मैंने फ्राई करके, लेकिन ये लड़की ने पूरा का पूरा वैसे ही लेकर आया, इज्जत से मुंह खोल और खा उसमें। ए रुक आजम, आजम को चाहिए, आजम तुमको चाहिए, एलो 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 मैं खिलाती हूँ, अलो इसको हाथ में चाहिए, इसको ऐसे खाना नहीं ना खाएगा, अरे अल्लो अरे अरे अल्लो नमा, अरे देखो जाओ, मैं खिला रही बोले तो मैं खिला रही, ले सादा सादा देती ले आकर, अरे भाग जा आजम। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन के अंदर और मैं दूध को बॉईल करने जा रही हूँ, दूध के पैकेट बहुत जमा हो गए, दूध पीने मतलब एक लीटर दूध आता है ना, दो पैकेट आता है घर के अंदर, तो कभी दोनों पैकेट खत्म हो जाते हैं और कभी नहीं खत्म होता है, तो जब नहीं खत्म होता है तो एक पैकेट लाना चाहिए, लेकिन आपके भाईजान ने कल भी दो पैकेट लेके आए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसको अपन पी पा के खत्म कर देंगे। देखो घर में ना हमारे ज्यादा चाय बनती है नहीं, और उज्मा ही दूध पीती है सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे, लेकिन फिर भी दो पैकेट इसलिए मंगाती हूँ कि कभी कोई घर पे आ गया तो एंड टाइम पे दूध होना जरूरी है घर के अंदर,
वैसे एक पैकेट में भी गुजारा हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में जिस तरह से पहले चाय बनती थी उस तरह से अब नहीं बनती है। पहले तो कंटिन्यूसली, बापरे आप लोगों को पता होगा, हर एक घंटे में को चाय लगती थी, अब ऐसा नहीं है। अब सुबह में पी लिए, शाम में पी लिए, तो इस दो पैकेट लाने बोलती हूँ उनको, क्योंकि मैं नहीं उतरती ना, कभी ऐसे दूध वूध कम पड़ा तो मैं जाके भाग के लेके आ जाऊँ कोई आया मेहमान, तो इसके लिए दो पैकेट मंगा दे। तो क्या हो गया, दो पैकेट देखो अभी यहाँ पे बॉइल करने के लिए चढ़ाई है और दो पैकेट अभी भी फ्रिज में। आजम घूम रहा मेरे पैर के पास, क्या हुआ फ्रिज में ठंडी ठंडी हवा आ रही मेरी बेटी को, फ्रिज में हवा आ रही है ठंडी ठंडी, हटो मेरे को खाना बनाने का था, मजा नहीं आ रहा, क्या बनाऊं, मेथी है वटाने हैं, मेथी से ही कुछ बना ली थी आज, तुम क्या बनाओ समझ नहीं आ रहा, आलू मेथी बनाऊंगी तो कम पड़ेगी, क्योंकि इतनी सी मेथी में कहां से आलू मेथी बनेगी बताओ, देखते क्या करना है इसका, दाल मेथी बनाऊं, देखते देखते। क्या हुआ मां आदम, हटो चलो चाय चढ़ा लेना मुझे, थोड़ा बर्तन धो के रखे हुए हैं सारे, तो जो है वो नीचे दबे हुए हैं, जब लगेंगे तब निकलेंगे, अभी मैं नहीं डिस्टर्ब कर रही बर्तन को, क्योंकि आजम आसपास ही घूम रहा है, और बर्तन जब गिरता है और बर्तन की आवाज आती है गिरने की तो वो चीख के रोता है, तो मैं गिर गया बेबी आजम। तो आ गई हूँ खाना बनाने किचन के अंदर, आटा मैंने गूंद लिया है, अभी तोड़ूंगी मेथी, आजम को मैं सुना के आई हूँ, कौली कौली मेथी है, तो मैं पहले इसको अच्छे से तोड़ लेती हूँ, क्योंकि बिखरी हुई है, पूरा बंडल नहीं है, बिखरी हुई है ना, पहले तोड़ लूंगी फिर उसके बाद इसको वॉश करूंगी। तो मेथी तोड़ के अभी हो गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ इसको पहले वॉश करूंगी, और अच्छा हाँ ऐसे में वॉश करके ऐसे में पानी नहीं निकालने का, मट्टी अंदर के अंदर ही रह जाएगी, अपन को पहले पूरा कटोरा भर के मेथी को धोना है, तो पहले अच्छे से खलखल खलखल करना, उसके बाद ऊपर से मेथी को उठा कर ऐसे ट्रांसफर करने का, तो जितनी भी मट्टी रहती है ना वो नीचे बैठ जाती है। ये देखिए मैं इस तरीके की बात कर रही थी, ऐसे पानी में खलखल कर दिए आपने मेथी को अच्छी तरीके से, अच्छे से वॉश करो उसको, उसके बाद ये ऊपर जितनी मेथी आई है ना सबको साइड कर दो, ठीक है, मेथी अच्छे से धुल जाएगी, आपके कटोरे में जो पानी है या जो भी बर्तन आपने यूज किया आपको विजिबल हो जाएगा पानी कितना गंदा है, और मट्टी जो थोड़ी बहुत होती है ना वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। अब मैंने ऐसे निकाल ली मेथी, अब मैं इसको फेंक दूंगी, देखो मट्टी नीचे बैठी हुई थी, तो इसको पहले खंगाल लो, खंगाल दिए फिर उसके बाद हमें मेथी डालना है, बहुत इजी है, अच्छी तरीके से मेथी जो है वो क्लीन हो जाती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना एक कमेंट मुझे आया था, जब मैंने लास्ट मेथी या पालक कुछ तो मैं बना रही थी, तो मैंने इसी तरीके से वॉश किया था, तो उन्होंने कमेंट किया था कि बाजी मैं तो 19 साल की हूँ और मैं खाना बनाना सीख रही हूँ, लेकिन हमारे घर के अंदर मेथी जो है वो जो भी मैंने बनाया था पत्ते वाली भाजी, तो काटने से पहले या तोड़ने से पहले ही वॉश की जाती है, आपने ऐसा करा तो क्या मट्टी नहीं रहेगी, तो उनकी मदद के लिए मैं बता रही हूँ ये चीज़, और उन जैसे बहुत सारे होंगे, ठीक है। ये देखिए पानी देखिए साफ हो गया, ये तो सेकंड पानी है, अब थर्ड पानी और, ठीक है,
देखिए कोई किसी भी तरीके की मट्टी नहीं है। अभी मैं ये मेथी को काटूंगी। हाँ क्यों काटूंगी, क्योंकि मेरी बेटी को पत्ते वाली भाजी सूखी बनाएंगे ना तो उसको भाजी दिखती बोल के वो खाने में नाटक करती है, तो मैं इसको थोड़ा ग्रेवी वाला बनाऊंगी कुछ नए तरीके से हटके, ताकि वो मेथी भी खा ले, वे ग्रीन भाजी भी उसके पेट में जाए और वो नाटक भी ना करे। तो ऐसा ये देखिए पानी, देखिए एकदम साफ। तो ये मेथी को ना अभी मैं जैसे भी चॉपिंग बोर्ड पे होता है या ऐसा, मुझे तो ऐसे ही ज़्यादा बेस्ट लगता है कुछ भी चीज़ काटने, तो मैं इसी तरीके से काटूंगी, मतलब ताकि वो अक्खी अक्खी ऐसे लंबी भाजी जैसे ना लगे उसको, नहीं तो वो छोड़ देगी नहीं खाएगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया कढ़ाई के अंदर और मेथी को भून के निकाल लूंगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ सालन जैसा कुछ। तो ऐसा अभी मेथी को पास आते भूनूंगी ताकि उसका पानी इससे भी जल्दी से सूख जाए। फ्लो अच्छे रखूंगी तो मेथी ज़्यादा पानी छोड़ेगी और सूखने में टाइम लग जाए। अब मेथी को निकाल लूंगी, निकल जा भाई कितना भाव खा रहा हो ना। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तेल, इसको थोड़ा गर्म करेंगे। ये आटे का डब्बा अलग, यहाँ पे मैंने लिया है ये थोड़ा सा बेसन, ठीक है। जीरा, लाल मिर्ची, तेल पता नहीं क्यों गर्म नहीं हो रहा है, हवा आ रही है, कौन सी खिड़की खुल रही थी क्या? हाँ यार खिड़की खुल रही है, उसमें जरा खिड़की बंद कर दे बेटा जरा, आपकी बेडरूम की। थोड़ी सी हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसके अंदर डाल देंगे बेसन और बेसन को भी भूनूंगी, बेसन का कच्चापन चले जाएगा, फिर उसके बाद कुछ भी ऐड करेंगे। तो अभी डाल रही हूँ मैं कांदा, हाँ नहीं तो क्या, कांदे के साथ पकाएंगे इसको। ठीक है
ये इसमें कांदे चिपके हुए थे, कांदे का पानी ऐड कर दिया, एक टमाटर, और मैंने कुछ भुनी हुई सेंग ली है जिनके अंदर थी ऑलरेडी भुनी हुई, काफी दिन से रखी हुई है, बेसन लग रहा है। डालेंगे इसमें हल्दी की बुक्की, मिर्ची की बुक्की और कुछ नहीं ऐड कर, और थोड़ा सी पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने टमाटर ना पीस के नहीं रखा, ठीक है, ताकि वो अभी लगे नहीं, ठीक है। इसको ऐसे रखकर मैं इसके अंदर थोड़ा सी सेम ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खा के रखते रहिए, तो रेडी हो जाए। इसको ढक्कन लगा के पीस लेती हूँ, मिक्सर की आवाज से भी उठता हूँ। क्या हुआ आजम? आजम को दिखने गई थी, आजम को दिखने गई थी, आजम नहीं उठाया, सो गया। धीरे, तेरी आवाज से उठ जाएगा, ऐसा चिल्लाती। तो ये देखिए मैंने इसको स्लो पे रख के टमाटर को जो ना पीस लिया, अब मैं इसके अंदर टमाटर और ये जो सेम मैंने भुनी हुई सेम को ऐड किया। एक्चुअली ना ऐसी घाई मस्ती ना तो मैं वीडियो नहीं शूट करती, लेकिन मैं बोली नहीं चलो जान दो, आज मैं कुछ हटकेच कर रही, तो फिर मैं बोली एक बार आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। हटके बोले तो मेथी की भाजी की दो तीन चीज़ें आती है बनाने को, लहसुनी मेथी और मेथी मटर मलाई, बट मलाई अभी घर में है नहीं, मटर है, मेथी मटर मलाई बना नहीं सकती, लहसुनी मेथी नहीं बना रही। मैं बोली कुछ अच्छा ग्रेवी बनना चाहिए, तो मैंने बेसन और सेम दोनों को यूज़ कर लिया, बनेगा उसी तरह से लेकिन टेस्ट अलग आएगा इसका। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक स्वाद अनुसार, ताकि टमाटर जो अच्छे से गल जाए फटाफट से। जब पक जाएगा टमाटर और बेसन के साथ कलर बदल जाएगा बिल्कुल, और ये सूख जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा खट्टे जैसा होता ना वो, ऐसा टमाटर भी ऐड किया ना, तो ये देख सकते हैं टमाटर पक चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये दही, ये दही ज्यादा खट्टी नहीं होती है, फीकी होती है, फीकी दही, खट्टी दही ऐड भी नहीं करने का ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर टमाटर भी ना। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी वाली मेथी पूरी की पूरी, और पानी ऐड करूंगी, अब इसको ढक के पकने देंगे। नमक और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, मम्मी
देखो 10 out of 10 मिला है। ओह माय गॉड, ये देखो वो ट्रैफिक धीरे धीरे आसन सो रहा है। ट्रैफिक सिस्टम मम्मी टीचर ने मुझसे बोले थे ये शब्द। हाँ गाइस देखो कल ये उसमें पढ़ रही थी और आज उसने एग्जाम भी देख मतलब टेस्ट भी देखे। ये देखो 10 out of 10 कल जाने वाली उसमा पिकनिक को। अम्मी अपने पास वो है ना तरीके का कपड़ा होता है तो वो नहीं है ना अपने पास, तो अपन वो वाटर पार्क का है ना धीरे ग्रे कलर का तो वाला कपड़ा पहनेंगे। हाँ मैं निकालती हूँ, मुझे पहले खाना बना दे फिर बाद में मैं आराम से निकालती हूँ। तो अभी मैं ये वाले गैस में ना रोटी बनाऊंगी तो इसको रखती हूँ छोटे गैस में, बस इसका भी हो गया दम होएगा तो मैं बुझा दूंगी। आजम उठ गया क्या? यार खाना बना भी नहीं और ये भाई का घुट गए ना, ऐसी ना हाय मारी लगती जब आपके भाई ना लेट आए के ना। यहाँ पे अपनी मेथी भी बन गई देख सकते, सालन का सालन और वो खाई गया, अब उसको खिलाऊंगी मैं ठीक है। और मुझे अभी आजम की आवाज़ आई, आजम बुला रहा है, वो झूले में उठ के बैठ गया है मेरा बच्चा। ये देखो अरे बाप ने, तुम रो रहे थे रोने का नहीं आ रही, मैं 2 मिनट दे। जो मेरे बेटे का भी खाना खा के हो गया है माशाल्लाह से। अभी गाइस मैं ये व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोग भी अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। बाबा क्या तू खाना खा चल, अब्बा नहीं है एक तो मेरे को ऐसा। हाँ मेरा व्लॉग बन गया आज, अब आएंगे तब देखेंगे, अगर वापस कंटिन्यू करना पड़े तो मैं कर दूंगी गाइस। इसका क्या हुआ क्या हुआ इसको? अरे क्या क्या कैसी आवाज किया तूने, बाप रे क्या हुआ माँ? मैं डर गई, मैं बोली बैठे बैठे तो क्या हुआ? हाँ 6 नंबर से लेकर यहाँ तक के पैदल लेके आया उस्मा को, पर सोच रहा 6 नंबर से यहाँ पे पैदल। क्या चिल्लाया ना? अरे बाप रे, अरे मेरा पेट दुख रहा है आजम, मेरा पेट दुख रहा माँ, ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो मरते। उसमें जल्दी खाना खा के निपटो, जल्दी उठने का है कल पिकनिक है, भूल मत। दूसरी बार पिकनिक जा रही है, दूसरी बार भी वहीं पे जा रही है। अरे सब्र रख ले जरा, अरे अरे जल्दी आ जाओ नहीं तो मेरा हाथ पर सब टूट जाएगा। क्या हुआ आजम? आजम क्या हुआ माँ? क्या हुआ, कहाँ गए अब्बा? कहाँ गए अब्बा, कहाँ गए अब्बा, कहाँ गए? मुंह पोछने का उसको, उसको फ्रेश करने का, पूरा तैयार करने का। कहाँ गए अब्बा? गए अब्बा।
आजम की अभी घोड़े से आवाज कर रही। कैसे बातें तो कैसे आवाज करते तुम? आवाज 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 हाँ करके दिखो। नाचे अभी नाचे कैचा जोच बस बस कैसा आजम कैसा कैसा मम्मा अम्मी की जान बता कैसा आ इच्छा कैसा